हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। मैं आज आप लोगों को द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज वन और पैकेज टू की अपडेट देने वाला हूं कि लास्ट 46 डेज के अंदर कितना कुछ काम हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। ओके, इस साइड में है शिव मूर्ति और ये है NH8। तो सूरज के रिफ्लेक्शन के कारण आपको शिव मूर्ति नजर नहीं आ रही होगी। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है द्वारका एक्सप्रेसवे की NH8 से, शिव मूर्ति के पास से। और ये मैं आ गया द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो काम चल रहा है वो चल रहा है राइट साइड में टनल बनाने का, और रोड के लेफ्ट साइड में यहाँ पे पिलर्स बनाए जा रहे हैं। तो NH8 से जो ट्रैफिक आएगा द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए, ये उसके लिए यहाँ पे ये पिलर्स बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 4 पिलर्स बन के रेडी हो गए हैं। और इस साइड में यहाँ पे बनाया जा रहा है अंडरपास। तो गुड़गांव की साइड से जो ट्रैफिक आएगा, जिसको यू टर्न लेना होगा वापस गुड़गांव की साइड में जाने के लिए, उसके लिए यहाँ पे ये पूरा यू टर्न बनाया जाएगा। और रोड के राइट साइड में यहाँ पे जो टनल बनाई जा रही है इसके पीछे, इन बोर्ड्स के पीछे, ये आप लोगों को एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगी और ये 8 लेन की होगी। और टनल के द्वारा एयरपोर्ट की साइड से जो ट्रैफिक आएगा उसके लिए ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड से पहले एग्जिट पॉइंट बनाया जाएगा। ये जो सामने की साइड में रेड लाइट आ रही है इससे पहले, और रेड लाइट से आगे की साइड में आने के बाद काम चल रहा है शैलो टनल बनाने का। तो इसको शैलो टनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले शैल तैयार किया जाता है। तो पहले दोनों साइड में यहाँ पे वॉल बनाई जाती है, उसके बाद में लेंटर डाला जाता है और फिर जो अंदर मिट्टी होती है उसको निकाला जाता है। तो NH8 की साइड में तो यहाँ पे अभी सिर्फ वॉल बनाने का काम चल रहा है, और यहाँ से आगे की साइड में लेंटर डालने की जो तैयारी है वो की जा रही है। और अब आगे की साइड में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे लेंटर डाल दिया गया है टनल के ऊपर, और लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे टनल बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। अब थोड़ा आगे की साइड में आने के बाद दूसरी साइड में जो टनल होगी उसके ऊपर भी लेंटर डालने का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। बस थोड़े से पैच रह गए जहाँ पे अभी लेंटर डाला जाएगा। तो इस वाले एरिया में यहाँ पे दोनों साइड में टनल के ऊपर लेंटर डालने का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। ये देख सकते हो यहाँ पे एयरपोर्ट की साइड से जो ट्रैफिक आएगा उस टनल के ऊपर यहाँ पे कितना बड़ा पैच रह गया जहाँ पे अभी लेंटर डालने का जो काम है वो किया जाएगा। तो अभी यहीं तक ही कंप्लीट हुआ है टनल के ऊपर लेंटर डालने का काम, और यहाँ से आगे की साइड में अभी टनल बनाई जा रही है। और ये आ गया बिजवासन रेलवे अंडर ब्रिज, तो इसको भी यहाँ पे अभी चौड़ा किया जाएगा। और अंडरपास को क्रॉस करने के बाद स्टार्ट होता है पैकेज टू। तो पैकेज टू के ऊपर देख सकते हो इस साइड में यहाँ पे लॉन्चर लगा दिया गया है, क्योंकि इस साइड में जो पिलर्स थे वो काफी टाइम पहले बन के रेडी हो गए थे। तो ये देख सकते हो ये लग रहा है यहाँ पे लॉन्चर। तो ये यहाँ पे अभी पिलर्स को आपस में कनेक्ट करने का जो काम है वो स्टार्ट करेगा। और इस साइड में देख सकते हो यहाँ पे सारे पिलर्स बन के रेडी हो चुके हैं। राइट साइड में देख सकते हो इन प्लेयर्स को आपस में यहाँ पे कनेक्ट भी कर दिया गया है। तो इस साइड में प्लेयर्स बनाने का जो काम है वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मैक्सिमम प्लेयर्स बन के रेडी हो चुके हैं, बस इनको यहाँ पे आपस में कनेक्ट करने का काम रह गया है। तो इस साल के लास्ट में ये सारे प्लेयर्स यहाँ पे आपको
एक दूसरे से कनेक्ट नजर आएंगे। तो इस साइड में है द्वारका एक्सप्रेसवे की मेन अलाइनमेंट, और ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो ये भी द्वारका एक्सप्रेसवे का ही है, लेकिन ये आगे की साइड में जाके UER2 से कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लेवल 1 लेवल 2 है, तो जब ये पूरी तरीके से यहाँ पे बन के रेडी हो जाएंगे, मतलब सारे प्लट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा ये वाला सेक्शन। इस साइड में है एयरपोर्ट, ये है द्वारका एक्सप्रेसवे का मेन अलाइनमेंट, इधर है द्वारका, और ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो द्वारका एक्सप्रेसवे का, ये आगे जाके कनेक्ट हो जाता है UER2 के पैकेज 3 में। तो ये वाला जो आप हिस्सा यहाँ पे देख रहे हो द्वारका में, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं समझा रहा हूँ। जब ये पूरी तरीके से यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा ट्रैफिक किस साइड से कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेवल होने वाले हैं। चलो बढ़ते हैं आगे की साइड में। ये है मेन अलाइनमेंट, तो यहाँ पे अभी बीच में कुछ प्लट्स रह गए हैं जो कनेक्ट किए जाएंगे, और इस पे आप आगे की साइड में चले जाओगे तो चले जाओगे मानेसर की साइड में, और पीछे की साइड में अगर आप इस वाले हिस्से को लेके आओगे एयरपोर्ट की तरफ से तो आप यहाँ पे नीचे उतर जाओगे, तो इस साइड में यहाँ पे रैंप बनाया जाएगा अभी। और अभी मेन अलाइनमेंट के ऊपर इस साइड में यहाँ पे साइड में जो पैरापेट वॉल होती है उसका जो काम है वो नहीं किया गया है। लेकिन आगे की साइड में देख सकते हो पैरापेट वॉल का जो काम है वो कर लिया गया है, और अब आगे की साइड में एलिवेटेड पार्ट को बनाने का जो काम था वो तो पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और साइड में पैरापेट वॉल बनाने का जो काम है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अभी ऊपर की साइड में ब्लैक टॉप का जो काम है वो स्टार्ट किया जाएगा। अब आगे की साइड में आने के बाद ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये धीरे धीरे नीचे की साइड में आ रहा है, क्योंकि पैकेज 2 की एंडिंग में और पैकेज 3 की स्टार्टिंग में द्वारका एक्सप्रेसवे ग्राउंड लेवल पे रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे बनाया जाएगा टोल प्लाजा, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो यूटर्न के लिए पिलर्स बनाए जा रहे थे उनको देख सकते हो अब यहाँ पे कनेक्ट करने का जो काम है वो स्टार्ट हो गया है। और ये आ गई नजफगढ़ कापस हेड़ा वाली रोड, तो इसको क्रॉस करके अभी कास्टिंग यार्ड बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ पे टोल प्लाजा बनाया जाएगा, और नजफगढ़ की साइड से जो ट्रैफिक आएगा जो कापस हेड़ा वाली साइड में जाएगा उसके लिए अंडरपास बनाया जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के लिए, और नजफगढ़ की साइड में जो ट्रैफिक जाएगा उसके लिए यहाँ पे फ्लाईओवर बनाया जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के लिए। तो सामने की साइड में देख सकते हो यहाँ पे मशीन काम कर रही है फ्लाईओवर के पिलर्स की पाइलिंग का, और यहाँ पे अंडरपास बनाने का जो काम है वो भी देख सकते हो स्टार्ट हो गया है। तो बस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दे देना और चैनल को करना सब्सक्राइब। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होगी द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 की।